मैं बात कर रहा हूँ ग्राम चिरोध के उन आदिवासियों की जो ओमकारेश्वर बांध प्रभावित हैं, लेकिन जब पुनर्वास पॉलिसी की बात करते हैं तो नर्मदा बांध प्रभावितों को जमीन के बदले जमीन की पात्रता है, लेकिन उन चिरोध के आदिवासियों के पास भू अधिकार संबंधित कोई भी दस्तावेज न होने के कारण वो पुनर्वास प्रक्रिया से बाहर थे। आज आज़ादी मिले 62 साल हो गए, लेकिन 62 साल बाद भी उन आदिवासियों के ऐसे हालात हैं, कानून बन गए हैं वन अधिकार के, लेकिन लोगों को पट्टा कोई भी नहीं दिया गया। सब एक है, हम सब एक है, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन और वो लोगों ने कड़ा संघर्ष करने के बाद आज उन लोगों के 113 परिवारों को भू अधिकार संबंधित पट्टे दिए गए और लोग आज बहुत ही खुश और उत्साहपूर्वक खुशी का इजहार कर रहे हैं। काई लेना आज तक पट्टा चढ़ गए खुशे में? हाँ पट्टा चढ़ गया ने। तो खुश है? खुश एकदम, हमने खुशी मना ही रहा। पत्रा वाला से संघर्ष कर रहा तुम? जहाँ से तो हम तो कम से कम 80-90 साल से हमको कब से करता करता है, हम ये पट्टा पाई जाए, हमें हम कहते खुश हो जाए। हम तो यह खुद की मेरी लड़ाई में समझता हूँ, क्योंकि मैं भी बांध विस्थापित और बांध प्रभावितों के साथ में लंबे समय तक उन लोगों के साथ में जुड़ा रहा। मैं इन लोगों के संघर्ष के साथ में हूँ और यह एक संदेश 113 परिवारों का, न सिर्फ यह पूरे एक क्षेत्र और पूरे भारत के उन आदिवासियों के लिए एक प्रतीक के रूप में है कि लोग अगर अपना संघर्ष कर और अपना हक अधिकार लिए बगैर थके नहीं। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं राकेश खन्ना मध्य प्रदेश बड़वानी से।